कोई जिम्मेवार कुर्सी पे बैठा हुआ या मुख्यमंत्री हो या मिनिस्टर हो, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, ऐसा माना जाता है। ये बदकिस्मती है गुजरात की कि गुजरात के मुख्यमंत्री और उनकी मिनिस्ट्री में बैठे हुए मंत्री झूठ चलाते हैं, लोग ट्विटर पे, नेट पे उनको फेंकू कहने लगे हैं। आज गुजरात में क्रॉप इंश्योरेंस का इश्यू था, किसानों के सामने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने ये बात चलाई कि गुजरात में किसान को क्रॉप इंश्योरेंस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि भारत सरकार अपने हिस्से का पैसा डिपॉजिट नहीं करा रहा है इंश्योरेंस कंपनी के पास, कांग्रेस की वजह से नहीं हो रहा है। मेरे पास ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर भली भांति ये बताया गया है 700 करोड़ रुपीस एडवांस में भारत सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया है। क्यों गुजरात के किसानों को इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है? एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी गुजरात सरकार ने की, जो असल में डेटा जिस तरह से पेश करना चाहिए वो नहीं दिया, और इसकी वजह से जो इंश्योर्ड लैंड है उससे कहीं ज़्यादा कहीं कम लैंड उन्होंने ग्राउंड नट की बीज बोए गए हैं ऐसा दिखाया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंश्योर्ड जो एरिया है वो एक्चुअल जो बीज लगाए गए हैं उनसे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, पर ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी गुजरात सरकार ने की और इसलिए आज गुजरात में सूखा है, किसान सुसाइड कर रहा है क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे। और पैसे क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट की ये नेग्लिजेंसी थी और इसकी वजह से किसान बर्बाद हो रहा है, और ब्लेम कर रहे थे वो भारत सरकार के ऊपर। मैंने आज एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लगाया है जिसमें सब बातें रखी गई हैं। तो इतना बड़ा झूठ चलाने वाले मुख्यमंत्री मैं नहीं मानता हूँ कि किसी राज्य में कभी पैदा हुआ होगा, और आने वाले दिनों में इतना झूठ फेंकने वाला ना कोई पैदा होगा। अब NSUI के लोग आ जाएंगे।